हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मोहित रमलानी। और हमने अपना एक चैप्टर बिजनेस का कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम क्या था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखे हैं उस चैप्टर के, वो देख लें। अगर नहीं देखोगे तो इसकी केस स्टडी आपसे सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि मैं अब आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है ना, तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट आपको सारे क्लियर होने चाहिए, हर कंसेप्ट की मैंने एक केस स्टडी ली है। ठीक है ना, स्टार्टिंग हम लोग बेसिक केस स्टडी से करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं, यानी अपनी पहली केस स्टडी पे आते हैं। तो पीयूष है, वो ऑपरेशन मैनेजर का काम कर रहा था। कहाँ पर सर? जैन लिमिटेड। ये हाईलाइटेड हो रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है वैसे। तो आपसे क्वेश्चन दो पुटअप किए गए हैं, किसी भी केस स्टडी को सॉल्व जब करोगे तो आप क्वेश्चन पे ध्यान देना भैया। पूछा क्या गया है आपसे? तो सर इसमें पूछा गया है कि बताओ कौन सा लेवल है जिसमें पीयूष काम कर रहा है, और उसके चार फंक्शन बताओ। ठीक है, तो सर बहुत सिंपल है, मैंने हाईलाइट किया है, देखो ग्रीन हाईलाइटर से। पीयूष इज़ वर्किंग एट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तीन लेवल थे, टॉप, मिडिल और कौन सा, लोअर। पता है आपको? यस सर, मैंने आपको बताया था सारे तरह के जो मैनेजर्स होते हैं वो किस में काम करते हैं, सर मिडिल लेवल पर। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब आपको फंक्शंस लिखने, आपको फंक्शंस लिखने। ठीक है ना, तो फंक्शंस क्या होते हैं मिडिल लेवल के, जो मैंने आपको बताया था वो भी लिख सकते हो, और जो इसमें मेंशन है केस स्टडी में वो भी लिख सकते हो। देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, इजी इजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ध्यान देते हैं सर, पहला है सर इंटरेस्ट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूँ, टॉप लेवल जो भी पॉलिसीज बनाता है ना, फॉर्मुलेट करता है, उसको इंटरप्रेट करने का काम किसका होता है, मिडिल लेवल। दैट्स इट, ठीक है ना, उसको आगे फॉरवर्ड करने का काम किसका होता है, मिडिल लेवल। बात खत्म हो गई, पहला फंक्शन। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन देखते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं बच्चों, जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है उसका काम ये रहता है कि सर डिपार्टमेंट में पूरे लोग हैं कि नहीं है, जिम्मेदारियाँ देना, ड्यूटीज़ देना। ठीक है ना, ये मिडिल लेवल का काम होता है। जितने भी जो मान लो ऑपरेशन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, तो उनका काम ये होगा कि वो अपने डिपार्टमेंट में देखें कि पूरी तरह से लोग कंप्लीट हैं कि नहीं है। ठीक है, ड्यूटीज़ को असाइन करना, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, किसकी क्या क्या जिम्मेदारी है, ये सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या होता है, काम होता है। बात खत्म। ठीक है, थर्ड पे आते हैं, थर्ड पे आते हैं बच्चों, मोटिवेट करना। क्या करना? मोटिवेट करना। किनको मोटिवेट? भाई जो उनकी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, उनसे नीचे वाले लोग भी, उनको भी मोटिवेट करना, ताकि उससे सर क्या हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को मोटिवेट करना। ठीक है, हालांकि वर्कर्स को मोटिवेट करने का काम तो लोअर लेवल का होता है, लेकिन जो मिडिल लेवल के अंडर में लोग काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो और जिससे कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। बात खत्म। ठीक है, फोर्थ है भाई कॉपरेट करना। किन के साथ? अदर डिपार्टमेंट्स के साथ। मैंने आपको अपने वीडियो लेक्चर में क्लियर किया था कि भाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम ये होता है कि सारे डिपार्टमेंट कॉपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखना। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम ये रहता है, ये देखना कि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कॉपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सर क्यों? अगर कॉपरेट ही नहीं होगा तो कंपनी स्मूथ फंक्शनिंग कैसे करेगी? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन देखो आ गया, स्मूथ फंक्शनिंग करवाता है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है ना, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सब मिलजुल कर काम करें, सब एक दूसरे का कॉपरेट करें भैया, तब जाकर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, स्मूथ तरीके से चलेगा। ये कौन देखेगा? मिडिल लेवल। खत्म। ठीक है, अब सेकेंड केस स्टडी पे आते हैं। चलो ध्यान दो ढंग से, सेकेंड केस स्टडी ये इफेक्टिव और एफिशिएंसी वाली है। याद है इफेक्टिव एफिशिएंसी? इजी है, ध्यान से समझना। देखो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने प्रोड्यूस की 10,000 शर्ट्स पर मंथ, टारगेट था मतलब, यानी एक्स वाई जेड लिमिटेड को टारगेट मिला कि वो 10,000 शर्ट्स पर मंथ बनाए, और कितने रुपए में बनाए बच्चों? 150 रुपये में, 150 में। जो प्रोडक्शन मैनेजर था उन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया, बहुत बढ़िया। 150 की जगह कितने में अचीव कर लिया? 100 रुपये में। अब आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? गिव वन रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अरे सर तो बताओ इफेक्टिव का मतलब क्या था? एक तो सर था टाइम पर कंप्लीट करना, और सर एक और था कि टारगेट पूरे कंप्लीट करना। ठीक है, और एफिशिएंट, मैक्सिमम बेनिफिट मिनिमम कॉस्ट, तो यहाँ पर इफेक्टिव है। यस सर, टारगेट कंप्लीट कर लिया। द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव बिकॉज ही हैज कंप्लीटेड द टास्क। इज दैट क्लियर?
एंड अचीव द गोल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कितना शर्ट्स 10,000। उनको एफिशिएंट भी माना जाएगा क्योंकि उन्होंने 150 में जो चीज़ बनानी थी वो कितने में बनाई, 100 रुपये में। बात ख़त्म। कितनी सिंपल केस स्टडी हुई। ठीक है, कंटिन्यू करें। यस, सिंपल सिंपल है, अभी तो बेसिक बेसिक आती जाएगी भैया, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। सूरज लिमिटेड एक कंपनी है जो आईटी सर्विसेज देती है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इनफ है ताकि कंपनी का सर्वाइवल और क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाए। ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिलीव्स दैट अ सेटिस्फाइड एम्प्लॉय क्रिएट्स अ सेटिस्फाइड कस्टमर हु इन टर्न क्रिएट्स प्रॉफिट। कुछ याद आ रहा है? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। यस यस। सो इट पेज सैलरीज टू इट्स एम्प्लॉयज, यानी जो भी एम्प्लॉयज उनको अच्छा पेमेंट भी करता है। सारे एम्प्लॉयज हैप्पी हैं वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सब लोग काम भी कर रहे हैं। और ये जो कंपनी है समाज के लिए भी बहुत कुछ करती है। इट हैज़ सेट अप एन इंजीनियरिंग कॉलेज इन विच 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर, क्या लिखा हुआ है, गर्ल्स, और उन गर्ल्स को 50% स्कॉलरशिप दी जाती है। तो आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, हाँ, तो आपसे पूछा गया है कि ये जो एस लिमिटेड, एस यानी सूरज लिमिटेड, ये कौन कौन से अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पा रही है। तो सर, एक तो सर्वाइवल ग्रोथ वाला आ गया, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बताया था मैंने, सर्वाइवल ग्रोथ प्रॉफिट। हाँ, उसके बाद सर एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी दे रही है, उनका पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रही है, तो सिंपल सी बात है सर, दूसरा ऑब्जेक्टिव है पर्सनल। एक हो गया ऑर्गेनाइजेशनल, एक हो गया सर पर्सनल। ठीक है, समाज के लिए भी कर रही है, गर्ल्स को 50% स्कॉलरशिप भी दे रही है, तो तीसरा कौन सा हो गया, सोशल। कितना ईजी और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप फोर्थ केस स्टडी पे आते हैं, ध्यान से समझ लेना। आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो और देख सकते हो कि मैंने ये आंसर क्यों दिया, इस केस स्टडी में आंसर क्यों आया। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ केस स्टडी पे आते हैं, बहुत इजी केस स्टडी है। सलमान लिमिटेड, कौन सी लिमिटेड, सलमान लिमिटेड इज हाईली रेप्यूटेड कंपनी। डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन दिस कंपनी हु आर बाउंड टूगेदर इन हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स, इन हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स, हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स। एवरी इंडिविजुअल इन दिस हायरार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर टास्क। यानी सलमान लिमिटेड कंपनी है, वहाँ पर अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं, किसी को क्या ड्यूटी दे रखी है, किसी को क्या ड्यूटी दे रखी है। ठीक है, तो एक चेन बनी हुई है, टॉप, मिडिल, लोअर, लोअर की तरह। तो अब केस स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर गौरव करके एक पर्सन है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या लिखा हुआ है, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ही फॉर्मुलेट्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट। ठीक है, आगे बढ़े। अब रुक जाओ थोड़ा, पहले मैंने क्या बोला, केस स्टडी को समझना है तो पहले देखो क्या क्वेश्चन पुटअप किया गया। ठीक है, देख लेते हैं, चलो नीचे देखते हैं। तुमसे बताऊँ क्या पूछ रहा है ये, एट वॉट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, आपसे पुटअप किया गया है एट वॉट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मिस्टर गौरव, मिस्टर नवीन, मिस्टर सुमित वर्किंग कर रहे हैं। अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने क्या बोला, क्वेश्चन एक बार देख लिया करो, तो हाथों हाथ क्या तुम्हारे दिमाग में आंसर आते जाएंगे। तो सर गौरव तो पूरा वेलफेयर कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए, गोल्स बना रहा है, तो कौन सा लेवल बनाता है, टॉप लेवल। तो गौरव का तो सीन हम यहाँ पर कंप्लीट हो गया, गौरव के लिए पूछा है, नवीन के लिए पूछा है, सुमित के लिए पूछा है, तो गौरव का तो हो गया भैया काम। अब नेक्स्ट नवीन पे आते हैं। मिस्टर नवीन इंश्योर करते हैं डेट द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज, क्या लिखा हुआ है, मिनिमाइज, एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन। तो बताओ ये कौन करता है सेफ्टी, मिनिमम वेस्टेज, लोअर लेवल। कौन सा लेवल बच्चों, लोअर लेवल। यस सर। अब सुमित पे आते हैं। मिस्टर सुमित असाइंस नेसेसरी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू पर्सनल एंड मोटिवेट्स देम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। यानी मिस्टर सुमित ड्यूटीज़ को क्या करते हैं, असाइन करते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया ड्यूटीज़ असाइन करना, जिम्मेदारियाँ देना, मोटिवेट करना। कौन सा लेवल, मिडिल लेवल। सिंपल, कितना सिंपल था ये, फोर्थ केस स्टडी तो और सिंपल थी। ये लिखा हुआ है ना, मिस्टर गौरव टॉप लेवल, मिस्टर नवीन लोअर लेवल, मिस्टर सुमित मिडिल लेवल। बात ख़त्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ केस स्टडी पे आते हैं। फिफ्थ केस स्टडी पे आते हैं अपन लोग। अब है द मैनेजमेंट ऑफ इशिका लिमिटेड, ये कंपनी है, पढ़ते हैं क्या बोल रही है।
strongly believes the members of an organization should work towards fulfilling the common organization goals. This require teamwork, integration of efforts of all individual department specialists. यानी इशिका लिमिटेड के जो मैनेजमेंट है उनका मानना है कि जितने भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, अगर उनको गोल अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन का तो सब मिलकर काम करें, टीम वर्क होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए सारे डिपार्टमेंट्स में, इंडिविजुअल्स में. ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन. सही बात है, मिलकर काम करेंगे तो सबको टाइम पर इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, क्या करना है, कैसे करना है, है ना. मैनेजर्स नीड टू रिकाउंसल डिफरेंसेस इन अप्रोच, टाइमिंग, एफर्ट और इंटरेस्ट. एट दैट सेम टाइम इट शुड इनेबल टू ऑल इट्स मेंबर टू ग्रो एंड डेवलप. देर इज़ नीड टू हार्मोनाइज. हार्मोनाइज है भाईचारा, मिलकर काम करना, कॉपरेट. कुछ याद आ रहा है सर, इतनी भाईचारे की बात हो रही है. तो आपसे अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या पुटअप किया गया है. आपसे बोला है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. मैंने आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जब पढ़ा रहा था तो लास्ट में एक टॉपिक पढ़ाया था, याद है कंसेप्ट किस, क्या था वो कंसेप्ट? कोऑर्डिनेशन. मैंने बताया था सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब जाकर ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को क्या कर पाएगा, अचीव कर पाएगा. बात ख़त्म. आई मेरी बात समझ में? कितना सिंपल है. यस सर. सेकेंड क्वेश्चन पुटअप किया गया, थ्री फीचर्स बताओ सर इस कंसेप्ट के. यानी आपने जो फर्स्ट वाले में कंसेप्ट आइडेंटिफाई किया, सेकेंड वाले में आपको उसके फीचर्स बताने. तो आंसर था कोऑर्डिनेशन. अब इसके सर तीन बेसिक फीचर्स देख लीजिए. एक तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, ये हम लोग समझ चुके हैं. इंश्योर करता है सर क्या, यूनिटी ऑफ एक्शन. और कोऑर्डिनेशन इज अ विच प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस. ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए. ठीक है, आपसे एक और क्वेश्चन पुटअप किया गया, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट विच इज रिफ्लेक्टेड. सर ये तो कोऑर्डिनेशन की केस स्टडीज में कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आ गया? एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कोई भी केस स्टडी में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है. एक कंसेप्ट के बारे में पूछा जा सकता है, दो तीन टॉपिक के बारे में पूछा जा सकता है. ठीक है ना, तो ये कोई रट्टा फिकेशन ही नहीं है, कुछ भी आ सकता है. कोऑर्डिनेशन के अलावा दूसरी भी चीज़ें आ सकती है. तो आपसे क्या पूछा कि बताओ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट कौन से. तो बताओ बेटा यहाँ टीम वर्क की बात हो रही है, मिलकर काम करेंगे सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो सर इससे ये समझ में आ रहा है कि इसमें फीचर आएगा मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. विच एक्टिविटी? ग्रुप एक्टिविटी. बात खत्म. इज दैट क्लियर? कितना ईजी था? यस. आगे बढ़ते हैं. अभी थोड़ी केस स्टडी बड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बाद में भी कर लेंगे, बाद में करते हैं इसको. उससे पहले छोटी छोटी केस स्टडीज कर लेते हैं. अब आता है रोतवी एंटरप्राइजेस. रोतवी एंटरप्राइजेस एक कंपनी है जो प्रोड्यूस कर रही है ग्राइंडर्स एंड क्या मिक्सर्स, है ना, मिक्सर्स. नाउ विद द चेंजिंग सिनेरियो एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ वर्किंग वुमेन, देयर इज अ ग्रेटर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट विच इज़ मोर एफिशेंट एंड मल्टी टास्कर. तो ये क्या है भाई, अब ये जो ग्राइंडर्स हैं मिक्सर्स हैं ये अलग अलग लेने पड़ते हैं, तो आजकल के डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि एक ही मशीन में सारा काम हो जाए, मल्टी टास्क है, है ना. तो वुमेंस बहुत डिमांड कर रही है. तो रोतवी एंटरप्राइजेस ने सिचुएशन को एनालाइज किया, क्या किया, सिचुएशन को एनालाइज किया, और कंपनी ने यानी रोतवी एंटरप्राइजेस जो कंपनी है उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो फूड प्रोसेसर के मार्केट में आएगी और फूड प्रोसेसर को प्रोड्यूस करेगी. ठीक है सर, क्वेश्चन क्या पुटअप किया जल्दी बताओ. बताओ कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये डिसीजन ले सकता है नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने का. सिंपल, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे सर, टॉप लेवल आएगा. कौन सा लेवल आएगा? टॉप लेवल, क्योंकि नई पॉलिसीज प्लान्स वही बना सकते हैं. ठीक है, छः के स्टडीज. नेक्स्ट, सौम्य वर्क्स एज अ सेल्समैन इन अ कंपनी. ठीक है, जो पेट एसेसरीज एंड फूड को क्या करते हैं, सेल करता है. He has been giving a target. अच्छा, सौम्य को टारगेट दिया गया 1300 यूनिट्स का. ठीक है, एक महीने के अंदर उसको 1300 यूनिट्स फूड पैकेट्स को सेल करना है. और उसको अलाउड किया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर को 15% डिस्काउंट दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, अपने मंथली सेल्स टारगेट को पूरा कंप्लीट करने के लिए उसने 15% की जगह 20% डिस्काउंट दे दिया. ठीक है, क्या ये सौम्य है ना, नाम पे मत जाना भैया, केस पे जाना. क्या सौम्य इफेक्टिव है अपने काम में? बताओ सर, देखो उसने अपना टारगेट तो अचीव कर लिया, तो ठीक है टाइम पे कर लिया. तो आंसर क्या आएगा? यस, सौम्य इज़ इफेक्टिव इन हिज वर्क,
क्योंकि उसने अपना मंथली सेल टारगेट क्या कर लिया, पूरा अचीव कर लिया। अच्छा तुमसे मैं पूछूं, एफिशिएंट माना जाता है इसको कि नहीं माना जाता? तो आंसर विल बी नो। सर क्यों, 15% की जगह 20% डिस्काउंट दे रहा है यार, टाइम पे तो काम कंप्लीट कर रहा है, लेकिन आई रिपीट, टाइम पे काम कंप्लीट कर रहा है लेकिन कॉस्ट क्या लग रही है, मैक्सिमम। और एफिशिएंसी को क्या, एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या होती है, मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो मैंने साथ बताई इस वाले लेक्चर में आपको केस स्टडीज, जो मैंने एक स्किप करी है वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, नेक्स्ट केस स्टडी का जो लेक्चर आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको पॉज करके आप लोग देखना, समझना कि जो आंसर्स आए इसमें ये आंसर क्यों आया। ठीक है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, मैं और वीडियोस लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, और बस काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू, बाय।